सीआरएसयू बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। आप गूगल पर जाकर लिखें सीआरएसयू रिजल्ट, एग्जामिनेशन रिजल्ट के नाम से यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेन रिजल्ट सेशन लिखेंगे 23-24, एनुअल सिस्टम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर करेंगे अंडर ग्रेजुएट और व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके रिजल्ट दिखा रहा है बीएड फाइनल ईयर आर्ट्स एंड कॉमर्स और बीएड फाइनल ईयर साइंस एंड आर्ट्स विद मैथ। तो आप इस पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर आपके रोल नंबर मांग रहा है, और ये जो लिंक है मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, आप इस सीधा लिंक पे क्लिक करें और यहाँ रोल नंबर वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और कमेंट में मैं डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप ये रोल नंबर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है आपका वो डालेंगे आप, और यहाँ पर आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका रिजल्ट, यहाँ पे नेम दिखा रहा है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगी। और ये पूछ रहा है कि प्रोविजनल मार्कशीट आपको कहाँ सेव करनी है, ये डी ड्राइव में हमने सेव कर लिया है। यहाँ पे आप खोलेंगे तो ये आप मार्कशीट है, अब यहाँ पर देखिए ये फोल्डर ओपन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट स्पीड, ये डाउनलोड हो रही है प्रोविजनल मार्कशीट, ये आ गया फोल्डर, ये फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे हमने ये डबल क्लिक करके हमने मार्कशीट यहाँ पर खोल ली है, ये आ गया हमारा रिजल्ट, देखिए 617 नंबर है 750 नंबर में से, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट पास। आरएल पेपर जो लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट सभी की मार्कशीट पे लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए आप जो आरएल पेपर के सामने जिसका रिजल्ट लेट होगा पेपर में उसके सामने इसका कोड लिखा होगा, जैसे 825, 826, 827, तो इसका मतलब उस पेपर में उसका आरएल है। अभी ये आप समझ के चलिए कि ये इस पेपर में आरएल के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका इस कैंडिडेट का आरएल किसी भी पेपर में नहीं है, रिजल्ट लेट नहीं है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर सारे के सारे मार्क्स दिए हुए हैं, इसलिए कोई भी आरएल नहीं है। आरएल पेपर्स के सामने अगर कोई सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है 801, 802, 825, 826, तो वो आरएल है उस पेपर में, नहीं तो ये आरएल पेपर सभी की डिफॉल्ट लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट सभी की मार्कशीट पे लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए इसकी चिंता मत कीजिए। अब दूसरी बात आती है कि किसी का आरई रीअपियर लिखा हुआ आ रहा है, तो वो दैट मीन्स रीअपियर है उसका उस पेपर में, और उसको रीअपियर का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर किसी का आरएल पेपर के सामने पेपर नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे रिजल्ट के सामने, यहाँ पर जैसे मान लीजिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यहाँ पर हमारे पास अगर आरएल लिखा हुआ होता है तो रिजल्ट लेट है उस पेपर का, दैट मीन्स उस पेपर में क्या क्वेरी लगी हुई है, क्या उसमें रिजोल्यूशन चाहिए एग्जामिनेशन रिजल्ट ब्रांच को, तो वो आपके कॉलेज वाले आपकी मदद करेंगे उसमें, आपका आरएल का पेपर यूनिवर्सिटी में जाके ठीक करवाएंगे और ठीक करवा के आपका रिजल्ट अनाउंस कराएंगे। उसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगता है आरएल पेपर का अनाउंस करने में, और आपका रिजल्ट दोबारा पब्लिश होएगा 15 से 20 दिनों में, अगर आरएल पेपर अगर है आपका तो किसी का, नहीं तो जैसे ये कैंडिडेट आप देख रहे हैं सामने ये क्लियर पास है, 617 नंबर है 750 नंबर में से, और इसका एनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर है, रोल नंबर भी यहाँ पर है। आरएल लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो आपका कॉलेज ही पता करेगा यूनिवर्सिटी से, और उसका रिजोल्यूशन करवाएंगे। अगर किसी के यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो दैट मीन्स वो ग्रेस मार्क से पास हुआ है, ग्रेस मार्क से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेस मार्क कभी कभार 2 से लेकर 5 नंबर तक ग्रेस एक पेपर में मिल जाते हैं या 2 पेपर में मिल जाते हैं और पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और रीअपियर का मैंने आपको बता दिया, रीअपियर है तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, और अगर रीअपियर है तो आप रीचेकिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं, रीवैल्यूएशन का भी फॉर्म भर सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो पेपर चेक होने के लिए किसी और एग्जामिनर के पास जाता है और वो आपको इवेल्युएट करता है और नंबर देता है, तो आपको हो सकता है आप उस पेपर में पास हो जाए, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फरवरी 2025 में रीअपियर का फॉर्म में भर कर, फॉर्म तो अभी भरा जाएगा महीने बाद, और रीअपियर में आप फरवरी 2025 में बैठ कर अपने उस एग्जाम को क्लियर कर सकें। इसका लिंक रिजल्ट चेक करने का मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे रहा हूँ, आप क्लिक करें और अपना रिजल्ट चेक करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने परसेंटेज से पास हुए हैं। धन्यवाद।